नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं कुंदन जबैर। बद्रीनाथ सीट पर भी कांग्रेस ने परचम लहरा दिया है। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस जीती है। बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस के लखपत बुटोला जीत गए हैं। लखपत सिंह बुटोला 5,224 मतों से चुनाव जीते हैं। बड़ा अंतर है पहाड़ के लिहाज से देखें तो 5,224 मतों से जीत गए लखपत बुटोला। कुल कांग्रेस के प्रत्याशी लखपत बुटोला का मिले हैं 27,696 वोट मिले हैं। और राजेंद्र भंडारी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, यहीं से विधायक थे कांग्रेस के टिकट पर, उन्होंने रिजाइन करके बीजेपी में शामिल हुए थे और अब विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, उन्हें 22,601 वोट मिले हैं। गौरतलब है कि 10 जुलाई को बद्रीनाथ विधानसभा सीट और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराया गया था। चमोली जिले की बद्रीनाथ सीट पर 51.43% वोटिंग हुई थी। मंगलौर सीट पर 68.24% वोटिंग हुई थी। मंगलौर सीट पर बीएसपी विधायक के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। तो वहीं बद्रीनाथ सीट पर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे और वहां पर उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। तो कांग्रेस के लिए संजीवनी आप कह सकते हैं, कांग्रेस के लिए डूबते को तिनके का सहारा जैसा ये आप कह सकते हैं। विधानसभा के उपचुनाव में दोनों सीट कांग्रेस ने जीत ली है। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट की जीत हुई है और कांग्रेस में जोशाई है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे, कांग्रेस के नेता लड्डू एक दूसरे को खिला करके जश्न मना रहे हैं। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट दोनों सीट कांग्रेस जीत गई है, बीजेपी की हार हुई है। सत्ता में रहते हुए दोनों उपचुनाव हारना बीजेपी के लिए सही संकेत नहीं। हालांकि दोनों ही सीटें बीजेपी की नहीं थी, एक बार बीएसपी जीती थी और एक कांग्रेस के पास ही सीट थी बद्रीनाथ की, लेकिन वहां से चुके जो विधायक थे राजेंद्र भंडारी चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने पाला बदला, कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुए, सीट से इस्तीफा देना पड़ा। दल बदल कानून लागू होने के बाद यहां पर भी उपचुनाव कराया गया मंगलौर के साथ। बद्रीनाथ सीट पर 10 तारीख को वोटिंग हुई। बद्रीनाथ सीट पर करीब 51% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। 10 तारीख को हालात बहुत अच्छे नहीं थे, चुनाव कराया गया, 51% से ज्यादा वोटिंग हुई और यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी 5,000 वोटों से ज्यादा से जीतने में कामयाब रहे। और